दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने आ चुका है नया अनोखा अजूबा एटम। ये एटम एटमी है आप। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिर सफर राज सर। मैं हूं आज ग्लोबल मोटर्स से, यानी टी ग्लोबल मोटर्स पे, जो कि लखनऊ हरदोई रोड पे पड़ता है ना। तो यहां पे आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर। तो चलिए दिखाते हैं आपको इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने आ चुका है नया अनोखा अजूबा एटम। ये एटम एटमी है, आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये नया इलेक्ट्रिक बाइक आई है। तो ये आप देख सकते हो, फ्रंट इसका कुछ टायर इस तरह से डिजाइन किया गया हुआ है, काफी बड़ा है। इसमें फ्रंट में छोटा सा डिस्क ब्रेक दिया गया हुआ है। इसका आप टायर देखें कितना चौड़ा है, मेड गार्ड इसका देखें उससे भी चौड़ा देखने में लगता है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाती है LED टेल लाइट्स, जो कि काफी खूबसूरत देखने में लगती है। साथ में ही आपको मिल जाते हैं दोस्तों LED टर्न इंडिकेटर्स। वाकई में दोस्तों ये जलते हैं तो काफी खूबसूरत लगते हैं देखने में ये। उसके बाद आप बात करते हैं हम इसके शॉकर्स की, तो शॉकर आपको इस तरह से कुछ मिलते हैं, तो आपको रेंजर साइकिल वाले ही देखने को मिलेंगे, जो आपको रेंजर साइकिल की याद दिलाएंगे। साथ में आपको आता है ये सिंगल इसका हॉर्न, जो कि काफी सही है इसके हिसाब से, है ना। फिर आते हैं इसके लॉक पे, तो ये हैंडल लॉक इसका है। यहीं से आपको मेन इसका स्विच इंजन का मिल जाता है, इंजन मतलब मोटर का स्विच, तो यहीं से ऑन हो जाती है गाड़ी। ये इसका कुछ एक्सीलेटर दिया गया हुआ है इसमें, इस साइड का इसको खींचेंगे आप गाड़ी बढ़ जाएगी आगे, यहीं से बैक होती है। ये फ्रंट ब्रेक इसका दिया गया हुआ, ये ऑन ऑफ का है। इसको ऑन करेंगे आप तो आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। ये आपको मिल जाता है डिजिटल मीटर, जो इस तरह का है। मैं ऑन करके आपको इसको दिखवाता हूँ कि कैसे इसका वर्क करता है ना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत देखने में लगता है ये मीटर। ये आपको चार्जिंग वाला मिल जाता है, उसके बाद ये आपको टेम्परेचर का मिल जाता है, फिर नीचे आपको किलोमीटर्स, और ये आपका स्पीड मीटर मिल जाता है, जो कि 25 इसकी टॉप स्पीड दी गई हुई है। आप अगर से अलग से बढ़वाना चाहते हैं तो 40 तक की जाती है। ये बैक आपको ब्रेक मिल जाएगा दोस्तों, है ना, हैंड इस साइड पे। यहाँ पे आएंगे आपको लाल कलर का, ये आपको LED का मिल जाता है, ये हॉर्न का मिल जाता है, ये आपको रिवर्स का मिल जाता है, छोटा सा स्विच। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, दबाएंगे इसको तो रिवर्स में चलने लगेगी आपकी ये एटम, जो कि एटम ही है। ये आप देख सकते हो इसका कितना ज्यादा स्पेस यहाँ पे दिया गया हुआ है। ये लगेज वगैरह रखने के लिए दिया है, यहाँ पे आपको सामान लेते हैं घर का तो यहाँ रख ले। इसके साथ आपको अभी यहाँ पे फिलहाल चार्जर इसका मिलता है। चार्जर ये 3 से 4 घंटे में पूरी फुल बैटरी चार्ज कर देता है दोस्तों इसकी, है ना। इसका जो बैटरी अभी मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल ये आप देखिए सामान, ये हम नीचे आते हैं इसका, तो ये बैटरी वाला कुछ बॉक्स मिलता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे ये देखिए बैटरी रखी गई हुई है, यहाँ पे 1.248 किलो वॉट की ये बैटरी है दोस्तों। बैटरी की जो वारंटी इसके दी गई है, 2 साल की बैटरी की वारंटी है। साथ में इसको जो आपको इसमें मोटर मिल जाता है, वो 250 वाट का मोटर मिल जाता है, जो कि सही है, वाटर प्रूफ मोटर होता है, 1 साल की वारंटी वगैरह इसकी मिलती है। ये आपको बैक के शॉकर मिल जाते हैं दोस्तों। फिर आते हैं नीचे के साइड, तो ये आपको इसका कुछ इस तरह का अलॉय मिल जाता है, ये बैक आपको लाइट मिल जाती है, साथ में इंडिकेटर्स LED, है ना। ये आपको देखिए नन्ना मुन्ना सा छोटा सा डिस्क ब्रेक इधर भी मिल जाता है बैक में, जो कि आपको साइकिल वाली फील देता है ये एटम की बैजिंग। फिर आते हैं फुटरेस्ट पे, तो ये एडजस्टेबल फुटरेस्ट यहाँ पे इसमें दिए गए हुए हैं, है ना। ये स्पेस थोड़ा सा दिया गया है, ये आपको मिल जाता है साइड स्टैंड इसका, तो काफी खूबसूरत ये एटम है, है ना। तो इसके अब ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो ये 78,000 के अराउंड आपको पड़ता है, है ना। तो कैसा लगा आप बताएं जरूर दोस्तों। तो चलिए अब एटम 1.0 का लेते हैं टेस्ट ड्राइव। मैं हूँ, मेरे साथ है दोस्त अपने शिवम भाई, तो चल रहे हम लोग टेस्ट ड्राइव पे। तो इसमें आपको बाइक और साइकिल दोनों का मजा मिल जाएगा। साइकिल में पैडल आपको मारने हैं, बाइक में गियर डालने, इसमें कुछ नहीं करना, चाबी मारे बस, एक्सीलेटर लें और चल दे राइड पे, है ना। तो हम लोग अभी राइड पे चल रहे हैं, काफी मजा बैठ के आ रहा है दोस्तों। ये आप एक बार में चार्ज कर लेते हो तो 50 से 60 किलोमीटर आपका चल जाता है। ये जो शोरूम आपका पड़ता है, ये ठाकुरगंज पे पड़ जाता है आपका, लखनऊ हरदोई रोड पे, है ना। तो इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो 25 की है स्पीड, इसमें जो टॉप दी गई है 40 तक की ये जाता है। अगर अलग से आप चाहे तो करा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये आपका चालान फ्री स्कूटर है, ना आपको चालान का डर है, ना आपको किसी चीज़ का डर है, क्योंकि ये बैटरी वाला इलेक्ट्रिक है ना। तो लेकिन आप बस ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करें जहाँ चलाएँ। तो यही था ई बाइक, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ दोस्तों। एटम के बाद एक और आ चुका है एटम, यानी कि जुगनू स्कूटी इलेक्ट्रिक वाली, जो कि ये भी लाइट से ही चलती है दोस्तों। चार्ज करने पे आप देख सकते हो इसका कुछ फ्रंट लुक इस तरह से डिजाइन किया गया हुआ है, काफी देखने में
खूबसूरत लगती है। तो चलिए इसके नीचे आते हैं, तो ये आपको मिल जाता है एलॉय, ये आपको मिल जाता है फ्रंट टायर जो कि ट्यूबलेस है, ये डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है, 90-100 का आपको टायर फ्रंट मिल जाता है, कुछ इस तरह के आपको मिल जाते हैं इसमें शॉकर्स, ये साइड में आपको मिल जाते हैं ग्राफिक्स वगैरह। फिर आप आते हैं तो इसकी बड़ी सी आपको हेडलाइट देखने को मिलेगी जो कि फ्रंट पे दी गई हुई है ना, आप देख सकते हैं काफ़ी एलईडी दो साइड में दी गई हुई, ये एयर वेंट्स दिया गया हुआ है इसका, है ना। फिर ऊपर से आते हैं तो आपको हैंडल पे इंडिकेटर्स वगैरह और लाइट वगैरह मिल जाती है यहाँ पे भी, जो कि जुगनू की तरह काफ़ी चमचमाती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है दोस्तों। ये रिफ्लेक्टर लाइट आपको साइड में मिल जाती है इसमें दोस्तों। फिर चलते हैं इसके हैंडल बार पे, तो इसका हैंडल आप कुछ इस तरह से देखिए डिज़ाइन किया गया हुआ है, ये इसका एक्सेलेटर हो गया, साथ में ही आपको मिल जाता है ये इसका फ्रंट ब्रेक। उसके बाद आते हैं तो ये आपको 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 मोड मिल जाते हैं इसमें, है ना। फिर ये आपको मिल जाता है रिवर्स वाला इस साइड पे, यहाँ पे ही सेल्फ नीचे दिया गया हुआ है स्टार्ट करने के लिए, ये देखिए आप यहाँ पे, साथ में ये आपको लाइट का ऑन ऑफ का दिया गया हुआ है स्विच, है ना। यहाँ पे ऊपर साइड मिरर्स के लिए दिया गया हुआ है, ये इसका मीटर कुछ इस तरह का है। इस साइड पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा डिपर, डिपर के नीचे आपको मिल जाता है इंडिकेटर्स, फिर नीचे मिल जाता है आपको हॉर्न, इधर मिल जाता है इसका दूसरा वाला एक्सेलेटर। फिर यहाँ पे आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, ये की लगाने वाला है, ये यूएसबी पोर्ट का आपको चार्जिंग वाला दिया गया है, मोबाइल वगैरह आप चार्ज करना चाहें तो काफ़ी आसानी से आप इसको दोस्तों चार्ज कर सकते हो, है ना, फ़ोन वगैरह बैटरी चार्जिंग की दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे नीचे आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए, साथ में ही नीचे आपको चार्जिंग गाड़ी की भी मिल जाती है इसमें स्विच। तो इसके साथ आप सीट देखिए कितनी बड़ी इसकी सीट दी गई हुई है ना पीछे से। अब नीचे आते हैं इसके हल्का सा, तो ये आप देखिए कितना चौड़ा डिज़ाइन दिया गया हुआ है, इसके जुगनू लिखी हुई इसकी ब्रांडिंग दी गई हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पे आपको मिल जाती है बड़ी सी बैक लाइट, साथ में इनबिल्ट होते हैं इसमें टर्न इंडिकेटर्स जो कि एलईडी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट वगैरह इसमें होती नहीं है, तो ये प्लेट दी गई हुई है, ये बैक का कुछ इस तरह का है, ये शॉकर हो गए, इसका टायर आप देख सकते हो ये ट्यूबलेस है ये भी, है ना। तो एलॉय काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। इस साइड आएंगे तो आपको मिल जाता है बड़ा सा फुटरेस्ट जो कि आप लेडीज़ वगैरह हैं या उनको बैठने के लिए काफ़ी आराम देगा, ये बच्चों के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए तो काफ़ी सही है, है ना। ये आते हैं साइड में, इसका मिल जाता है आपको साइड स्टैंड, है ना। तो इसमें जो दोस्तों बैटरी है मैं आपको बता दूँ, इसकी बैटरी 60 वाट की है, है ना। ये जो बैटरी एम्पियर हावर है इसका वो 24 AH है, साथ में आपको जो सिंगल चार्ज पे 60-70 किलोमीटर आपको ये आसानी से चल जाएगी, चार्जिंग में जो इसका टाइम लगता है वो 3 से 4 घंटे में ये चार्ज कर देती है फुल, है ना। उसके साथ में आपको ये मिल जाती है सेंट्रल लॉकिंग की, इसमें यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये ऑन वाला हो गया, ये ऑफ वाला हो गया, साथ में आप यहाँ पे लॉक करने के बाद आपका पिछला टायर जाम हो जाता है दोस्तों। ये थी कुछ जुगनू, इसमें काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रही है दोस्तों। LED मीटर इसका आता है पूरा, है ना। तो मैं आपको इसकी की अभी लगा के ऑन करके दोस्तों दिखाऊंगा जो कि जलने पे आपको इसका मीटर कैसा लगता है ना। ये देखिए कुछ इसका मीटर इस तरह से दिया गया हुआ है, स्पीडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, सारा मीटर पूरा डिजिटल दिया गया हुआ है। अब मैं इसके आपको बता दूँ ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये लखनऊ में इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 58,000 के आसपास है दोस्तों, 58,900। तो आपको जुगनू और एटम में दोनों में कैसा लगा, है ना, कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बढ़िया लगा, ये दोनों काफ़ी ज़बरदस्त हैं, बताइएगा ज़रूर। ये शोरूम आपका पड़ जाता है लखनऊ हरदोई रोड ठाकुरगंज में। तो दोस्तों यही था इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और स्कूटर का ब्लॉग यानी स्कूटी का। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें सफ़र रॉयल के साथ, देखते रहें सफ़र रॉयल के सारे ब्लॉग, आपकी ज़िंदगी का भी सफ़र रॉयल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।